अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू विल बी बेटर देन बिफोर। दोस्तों, कभी कभी आपको महसूस होता होगा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझ तो लेते हैं लेकिन अपने भावों को इंग्लिश लैंग्वेज में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेकर आए हैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम को और शुरू कीजिए इंग्लिश बोलना। इसके लिए आपको कोई भी एक वर्ड लेना है और उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि हमारा आज का वर्ड है नो। नो एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है जानना या किसी बात, वस्तु, व्यक्ति या स्थान की जानकारी होना। अब हम इस वर्ड नो से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और उनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो मच अबाउट मूवीज़, मीन्स मुझे मूवीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। सो लेट्स सी सम अदर सेंटेंसेस मेड विद द वर्ड नो। फर्स्ट सेंटेंस इज आई नो यू। आई नो यू मीन्स मैं आपको जानता हूँ या मैं आपको जानती हूँ। आप इस वर्ड को डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं, आई नो यू। सेकेंड सेंटेंस इज आई नो अबाउट यू। आई नो अबाउट यू मीन्स मुझे आपके बारे में पता है, आई नो अबाउट यू। और थर्ड सेंटेंस इज आई डोंट नो। जब आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है या आप नहीं जानते हैं तो आप कह सकते हैं आई डोंट नो। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो वेयर इज़ राम मीन्स मुझे नहीं पता कि राम कहाँ है या मैं नहीं जानता कि राम कहाँ है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई डोंट नो एनी थिंग। आई डोंट नो एनी थिंग मुझे कुछ नहीं पता। जब आपको ये बोलना हो कि मुझे कुछ नहीं पता तो आप बोलेंगे आई डोंट नो एनी थिंग। एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आई डोंट नो एनी थिंग। और नेक्स्ट सेंटेंस इज ही नोज या सी नोज, वह जानता है या वह जानती है। फॉर एग्जाम्पल, ही नोज एवरी थिंग अबाउट मी। ही नोज एवरी थिंग अबाउट मी मीन्स वह मेरे बारे में सब जानता है। हम ही नोज और सी नोज से और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंसेस, डू यू नो। जब हमको किसी से पूछना हो क्या तुम जानते हो या क्या आप जानते हो तो हम बोलेंगे डू यू नो। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो वेयर इज़ ताजमहल सिचुएटेड। डू यू नो वेयर इज़ ताजमहल सिचुएटेड मीन्स क्या आपको पता है ताजमहल कहाँ पर स्थित है। तो जब हम किसी से पूछते हैं क्या तुम जानते हो तो हम यूज़ करते हैं डू यू नो। डू यू नो। और नेक्स्ट फ्रेज इज़ यू नो और यू नो वॉट मीन्स तुम जानते हो, तुम जानती हो या फिर आप जानते हैं। यू नो वॉट का यूज़ हम सेंटेंस के पहले तब करते हैं जब हम इसके बाद आने वाले सेंटेंस पर विशेष बल देना चाहते हैं या फिर सुनने वाले का विशेष ध्यान आकर्षण कराने के लिए हम सेंटेंस के पहले यू नो वॉट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू नो वॉट आई डोंट लाइक हर। यू नो वॉट आई डोंट लाइक हर और यू नो वॉट आई मीन। यू नो वॉट आई मीन इस प्रकार से हम यू नो एंड यू नो वॉट फ्रेज का यूज कर सकते हैं। तो आज हमने नो वर्ब से बने हुए फ्रेजेस और उनका अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करना सीखा। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नए वर्ड से बने हुए सेंटेंसेस और उनका अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़। सो फॉर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, कीप ऑन वॉचिंग इंग्लिश विद ज्योति मैम। टिल देन, हैव अ गुड डे। थैंक यू।